नमस्कार, हरियाणा टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरुणा मल्होत्रा। ये आपको सीधे दिखाते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की हमारे सहयोगी शमशेर सिंह ने। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा सीएम जयराम ठाकुर ने। सीएम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी जानेंगे सर, आज से आज जो मीटिंग है, मुलाकात होने वाली है वित्त मंत्री के साथ, उसको लेकर आज दिल्ली दौरे पर आप पहुंचे हैं। ये जानना चाहेंगे आज क्या कुछ इस दौरान आप हिमाचल के लोगों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए बातचीत रखेंगे, वित्तीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या तैयारियां हैं? धन्यवाद, थैंक यू। ये रूटीन की बैठक है, आमतौर पर यह बैठक हर बजट से पहले होती है जी, और प्री बजट मीटिंग इसको कहते हैं। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की ओर से जो हमारे आग्रह हैं उनके समक्ष रखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के समक्ष। और हर हालत में जहाँ हमारे इश्यूज हैं उन इश्यूज को लेकर के, अभी तो उचित बोलना नहीं होगा मैं उन सारे इश्यूज को लेकर के, क्योंकि बजट की प्रेपरेशन से संबंधित कोई चीज बजट से पहले बोलनी उचित नहीं होती है। लेकिन इतने मैं जरूर कहूंगा, इसमें हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र ने बहुत मदद की है। इन चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा के जो है हमारे एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत किए हैं जी, और हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और हमको जो 400 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो ब्याज मुक्त ऋण जो है वो मिला है जी, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके अतिरिक्त जो सुझाव की दृष्टि से वहाँ चर्चा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जिनके पास वित्त मंत्रालय होता है स्टेट का, वो सब लोग वहां पर होंगे, तो वहां पर अपने अपने सुझाव की दृष्टि से हम बात करेंगे। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो कोविड की सिचुएशन के कारण जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, चाहे वो देश की है चाहे वो हमारे प्रदेश की है, उसमें हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। और ऐसे में और बेहतर करने के लिए हमको जहाँ खासतौर से जो छोटे स्टेट है जहाँ पर हमारा रेवेन्यू बहुत कम आ पाता है, और ऐसी सूरत में वहाँ ज्यादा मदद हो सके ऐसा जरूर आग्रह करने की कोशिश करेंगे। एक अहम बात आपसे जानना चाहेंगे सर, वित्तीय हालात जो हैं, जैसे आपने कहा कि कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते बेहतर नहीं हो पाई है, स्थिति ठीक नहीं है, और इसको लेकर आप पहले भी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। अगर आपके लिहाज से जानना चाहें तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए हिमाचल में जिससे ये स्थिति बेहतर हो? हालांकि आप लोग जो आज बात रखेंगे अलग विषय है, लेकिन हिमाचल के वित्तीय स्वास्थ्य को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए? तो इसके लिए अलग अलग तरह के जो हमारे हिमाचल से संबंधित जो है हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्वीकृतियां केंद्र से मिले, एक तो ये बात। दूसरी, केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से कुछ मदद की दृष्टि से जो पर्टिकुलरली जो जिसका मैंने जिक्र किया, जो ब्याज मुक्त ऋण जो मिलता है मदद करने के लिए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो सारी क्लियरेंसेस की दिशा में आगे बढ़ा है हमारी, उसमें कुछ औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, और आगे बढ़कर के अगर उसमें काम करना है तो उसके लिए जरूरत रहेगी, केंद्र के सहयोग की आवश्यकता रहेगी उसमें, तो वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ में जो GST कॉम्पनसेशन का एक इशू है, तो उसको लेकर के भी हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि उसको कंटिन्यू किया जाए आगे। अभी 2-3 सालों के लिए अभी जरूरत है, लग रही है उसकी, क्योंकि स्टेट की इकोनॉमी जो है उसमें उसको मदद मिलेगी। सीएम साहब, ये तो तमाम बातें आप करने वाले हैं, लेकिन जब कनेक्टिविटी की बात जब आती है तो हिमाचल प्रदेश को लेकर कई बार ऐसी बातें की जाती हैं कि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, उस पर कई बार ज़्यादा जोर देने की बात होती है, उसको सुधारने के लिए ये भी बातें हमें, और चुनाव से पहले आम जन की जितनी दिक्कतों को दूर किया जाना जरूरी है, इसमें कहाँ पर आपको लगता है कि फोकस करने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है? लगातार आप दौरे कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक मिल रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जी, आने जाने का रास्ता हमारा सरल हो जाएगा, बाय रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो नेचुरली टूरिस्ट आएगा, बड़ी संख्या में आएगा। बाय एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उसमें टूरिस्ट आएगा और बड़ी संख्या में आएगा। और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा भी वक्त लगेगा, क्योंकि हिमाचल के टेरेन के हिसाब से रेलवे कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में तुरंत करना, जल्दी करना, ये इतना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, उसके लिए वक्त लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा जी। तो ऐसी सूरत में ज्यादा जो दो चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं, बाय रोड कनेक्टिविटी, और जिसमें 4 लेन के काम हमारे चल रहे हैं उनको थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है, उसके साथ साथ में
बायर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि टूरिस्ट आए, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को उससे लाभ होगा और हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से आगे भी बढ़ सकता है। पर्यटन के लिहाज से देखें तो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यटन को, और हिमाचल का प्रमुख ये एक उद्योग है जिसमें टैक्सी वाले भी हैं व कामगार लोग भी हैं, इनको और इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए ऐसी योजनाएं जो आप लगातार चला रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन पर और ज़्यादा कितना काम करने की ज़रूरत नज़र आती है? बहुत अहम है ये, पर्यटन हिमाचल की जान है, लाइफलाइन है। देखिए, हमने इसमें बहुत बेहतर काम किया है, नई डेस्टिनेशन डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, और हमको मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण जी का विशेष तौर से, प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से, और उसमें जो हमको ADB का जो प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत हुआ है 2100 करोड़ रुपए का, तो उसमें हम कोशिश करेंगे टूरिज्म की इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए और नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए। एक सवाल बड़ा हो जाता है, हमने देखा कि जो चुनाव हुए तीन, एक छोटा सवाल आपसे मेरा, और ये जो विधानसभा, तीन विधानसभा का उपचुनाव हुआ, एक लोकसभा का चुनाव उपचुनाव हुआ, इसमें अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन नहीं रहा, आप लोगों ने इसको, आपने खुद भी कहा कि कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, एक मंत्रिमंडल का सवाल भी आ जाता है, मंत्रिमंडल से कितने संतुष्ट आप, दोनों को लेकर छोटा सा सवाल आपका सर, छोटा सा उत्तर। नहीं देखिए, जहां तक उपचुनाव के परिणाम की बात है, कई बार चुनाव में रहता है कई बार छोटी सी कमी छूटी है, 1% से वहां पर ये चुनाव नहीं जीत पाए हैं, वो कमी छूटी है, लेकिन ये श्रद्धांजलि और सहानुभूति के नाम पर अब की बार ये मतदान हुआ है हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, जिसका कांग्रेस को फायदा मिला है, लेकिन ये सदैव ऐसा होता रहेगा ऐसी संभावना नहीं है। आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ 2022 के चुनाव में जब उतरेंगे तो हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बातचीत आपने सुनी, जिसमें उन्होंने आज की बैठक को लेकर कहा कि जो हिमाचल की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री की जो बैठक है, इस बैठक में केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद की है, इस पर उन्होंने कहा साथ साथ ब्याज मुक्त 400 करोड़ रुपए मिले, ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ और ज़रूरतें वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, ये तमाम चीज़ों की जो है जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम उठाएंगे। बहुत सी ऐसी बातें जिनको पहले बताया नहीं जाता है, लेकिन इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि हिमाचल का जो वित्तीय स्वास्थ्य है, जो वित्तीय हालात हैं, वो कोरोना के चलते खराब जरूर हुए हैं, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से बात कर लें, उनको और दुरुस्त करने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और केंद्र से मदद लगातार मिल रही है। तमाम बातें हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खबर फास्ट पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कह रहे हैं। तो बिल्कुल, प्री बजट को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, निर्मला सीतारमण आज सभी वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी और देखना होगा कि क्या कुछ आगे रणनीति जो है वो प्री बजट को लेकर बनाई जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं हमारे लिए खबर फास्ट के साथ।